नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों जैसा ये सभी इंतजार कर रहे हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आएगा, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर 20 तारीख को यहाँ पर जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर 20 तारीख को आप लोग का जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है वो 10th और 12th का आने वाला है, लेकिन एक अंदाजा किस हिसाब से लगाया जा रहा था कि जो आपके सेकेंड पार्ट है रुक जाना नहीं का, उसमें आपके फॉर्म मतलब भर सकते थे अगर यहाँ पर 20 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाए या 20 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर जो व्यक्ति फेल होते हैं वो सेकंड पार्ट यानी कि रुक जाना नहीं का सेकंड पार्ट जो फॉर्म 20 तारीख से 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है वहाँ उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहाँ पर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट 20 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन आज है 19 तारीख और अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ऐसे में सभी लोगों को डाउट हो रहा है कि यहाँ पर रुक जाने की डेट बढ़ेगी या नहीं, या फिर सप्लीमेंट्री का जो रिजल्ट है वो आगे जाएगा या फिर 20 तारीख तक आ जाएगा। यानी कि आज 19 तारीख, कल का समय और है। अगर कल रिजल्ट आता है तो आप जो फेल हो जाते हैं व्यक्ति वो सेकंड पार्ट में फॉर्म सेकंड पार्ट रुक जाना नहीं में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 20 तारीख को दोस्तों रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर रुक जाना नहीं कि डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया जाए। और यहाँ पर मैंने अभी एमपी बोर्ड से भी बात की थी और अब मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा, उन्होंने क्या बताया कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक आएगा, इस संबंध में मैं आपको फुल डिटेल में जानकारी बता रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे डाउट हैं लोगों के, इस वीडियो को देखो और आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि सभी लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री में कुछ लोग सोचते हैं कि हमें ग्रेसिंग मार्क्स मिलेंगे, तो दोस्तों सप्लीमेंट्री परीक्षा में कभी भी ग्रेसिंग मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आप एमपी बोर्ड से यहाँ पर परीक्षा देकर आ रहे हो और परीक्षा देकर आए वहां पर आपको ग्रेसिंग मार्क्स दिए गए हैं। तो उसके बाद अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री में दोबारा से ग्रेसिंग मार्क्स ये पॉसिबल नहीं होता है। तो सप्लीमेंट्री में ग्रेसिंग मार्क्स कभी नहीं दिए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने यहाँ पर दो सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री परीक्षा दी है, दो सब्जेक्ट में आपने सप्लीमेंट्री परीक्षा दी है, तो आपको यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में पास होना होगा, 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, या फिर एक सब्जेक्ट में पास होना होगा। तो आप सभी को पता है बेसिक 10th क्लास का यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 से रिजल्ट बनता है, लेकिन इस बार बेस्ट ऑफ 4 से और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट का बेस्ट ऑफ 3 से रिजल्ट तैयार किया गया था। और आप बेस्ट ऑफ 4 से यहाँ पर तैयार किया गया, इस बार से अगर आप दो सब्जेक्ट में यहाँ पर सप्लीमेंट्री आई है आपकी, तो यहाँ पर अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हैं तो आपको यहाँ पर पास माना जाएगा। अगर आप दोनों सब्जेक्ट में पास हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, जो 20 से 25 तारीख के बीच में आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे में जो सेकंड चांस के सेकंड फॉर्म, सेकंड चांस के जो रुक जाना नहीं के फॉर्म यहाँ पर भराए जा रहे हैं, तो उसमें आप अप्लाई कैसे करोगे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 20 तारीख, अगर 20 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि जो रुक जाना नहीं के सेकंड पार्ट का फॉर्म यहाँ पर 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो उसमें अगर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट 19 या 20 तारीख को नहीं आता तो हम इसमें फॉर्म कैसे भरेंगे। तो दोस्तों अगर रिजल्ट 20 से 25 तारीख के बीच में आता है तो रुक जाना नहीं की डेट भी बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों अगर आपकी रुक जाना नहीं सेकेंड चांस में अगर आप फॉर्म नहीं भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा से अपनी एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई थी वीडियो को लाइक करें और यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग को आप एक बार जरूर सुने। कॉल रिकॉर्डिंग में मैम ने क्या बताया है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट देखने के लिए आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहां से रिजल्ट को आसानी से चेक कर पाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट जरूर करें। कमेंट में अगर कोई भी अभी तक डाउट है जो मैं नहीं बता पाया है तो मैं कमेंट में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना ही चैनल। जय हिंद। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका? एमपी गुना जिले। गुना? हाँ हाँ गुना जिले। वो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब आएगा मैम? कौन सी क्लास में हो आप? मेरा भाई है, वो 10th क्लास में। आपके भाई को सप्लीमेंट्री आएगी? हाँ हाँ। उसका नाम दीनू है। दीनू? हाँ। एक मिनट, इसी हफ्ते में देखो क्या मैम? इस वीक में देखिए। तो दोस्तों इस कॉल रिकॉर्डिंग में आपने सुना कि इस हफ्ते में आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 7 दिनों के अंदर में आपका सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई, तो वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दिख रही है अपना ही चैनल।